हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ड्रीम इलेवन प्लेइंग इलेवन में। और आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं KPL की, यानी कि कर्नाटका T20 प्रीमियर लीग की। तो इसका ये पहला मैच होने वाला है, इसको यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो आपको बता दूं, जैसे TNPL होती है तमिलनाडु प्रीमियर लीग, वैसे यहाँ पर कर्नाटका प्रीमियर लीग भी होती है। हालांकि उतनी फेमस नहीं होती जितनी TNPL होती है, तो यहाँ पर थोड़ी सी कम फेमस होती है ये लीग, बट यहाँ पर हम इसको कवर करेंगे। और यहाँ पर आपको बता दूं, लास्ट सीजन यहाँ पर हमने अच्छा खासा इससे विन किया था कर्नाटका प्रीमियर लीग से, और कोशिश करेंगे इस बार भी हम उतना ही विन कर पाएं। तो दोनों ही टीमों का सबसे पहले आपको रिव्यू दे दूं, तो एक तरफ है यहाँ पर बेलागावी पैंथर्स और दूसरी तरफ है बेंगलुरु ब्लास्टर्स। तो इनके बीच में ये पहला मैच होने वाला है KPL का, और KPL का ये पहला मैच है। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए बिकॉज यहाँ पर जो बेंगलुरु ब्लास्टर्स की टीम है, उसने लास्ट सीजन कोई भी मैच विन नहीं करा था, तो सबसे यहाँ पर घटिया टीम आप बोल सकते हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ अच्छे प्लेयर्स भी हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, जो यहाँ पर इनकी विनिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं। बात करें बेलागावी पैंथर्स की, तो बहुत स्ट्रांग टीम है और लास्ट सीजन इन्होंने विन किया था, और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत स्ट्रांग टीम है और लास्ट सीजन ही विन किया है, तो आप समझ सकते हैं एक यहाँ पर टीम है जिसने लास्ट सीजन विन किया है, और एक टीम है जिसने लास्ट सीजन में कोई भी गेम विन नहीं किया है। तो बेंगलुरु ब्लास्टर्स बहुत वीक टीम है, और बात करें बेलागावी पैंथर्स की, तो बहुत स्ट्रांग टीम है। तो यहाँ पर आप कोशिश करिएगा, आप 6 से 7 प्लेयर तक बेलागावी पैंथर्स के ले लें, और 4 से 5 प्लेयर तक ही आप यहाँ पर बेंगलुरु ब्लास्टर्स के लें। तो गाइज, यहाँ पर बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो को। पहला मैच है तो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, और यहाँ पर पूरे रिकॉर्ड स्टेट्स वगैरह हम देख लेंगे। तो यहाँ पर शुरू करते हैं हमारा वीडियो और देख लेते हैं यहाँ पर क्या कुछ पिच कंडीशन है और क्या यहाँ पर कुछ प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स हैं। तो गाइस, बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम बेलागावी पैंथर्स की। तो यहाँ पर इन्होंने जो लास्ट सीजन से अपने जो प्लेयर रिटेन करे, उसमें मनीष पांडे हैं, स्टुअर्ट बिनी हैं, अविनाश डी हैं और स्टेलन हूवर हैं। लास्ट सीजन यहाँ पर स्टुअर्ट बिनी और स्टेलन हूवर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था। स्टेलन हूवर ने तो लास्ट जो फाइनल मैच हुआ था, उसमें 81 के आसपास रन लगाए थे ओपनिंग करके। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इस टीम से स्टुअर्ट बिनी और स्टेलन हूवर, और इसके अलावा मनीष पांडे और अविनाश को भी यहाँ पर टीम ने रिटेन करा है, तो डायरेक्टली प्लेइंग 11 में इनको भी जगह मिलेगी। यहाँ पर स्टुअर्ट बिनी की बात करें तो यहाँ टीम को करने वाले हैं, और यहाँ पर आपको पता है तो पूरे 4 ओवर डालते, इसके लिए बैटिंग पोजीशन में इनकी थर्ड डाउन है, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं स्टुअर्ट बिनी। फिर यहाँ पर किरमानी और एस हूवर की बात करें तो ये इनिंग्स को ओपन करेंगे, और जैसे कि एक्सपेक्टेड है आपको बता दूं, हूवर यहाँ पर मिडिल ऑर्डर में भी खेल लेते हैं, बट यहाँ पर जनरली ओपन करते हैं, यानी कि लास्ट सीजन में यहाँ पर कुछ लास्ट के मैचेस यहाँ पर ओपन करना चालू किया था, तो मेरे हिसाब से इस मैच में भी ओपन करेंगे लास्ट सीजन का अगर आप रिकॉर्ड देंगे। स्टेलन हूवर की बात करें तो ये मैच विनर प्लेयर है, वो इसलिए बिकॉज यहाँ पर लास्ट फाइनल मैच में 81 यहाँ पर स्कोर किया था इन्होंने, और ये हर मैच में यहाँ पर स्कोर करते थे, यानी कि 4 ओवर पूरे बॉलिंग भी करते थे, उसमें 1-2 विकेट तो निकालते थे, उसके अलावा यहाँ पर अच्छे खासे स्कोर भी लगाते थे बैटिंग में। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे स्टेलन हूवर और स्टुअर्ट बिनी। यहाँ पर आपको बताते हैं किरमानी की बात करें तो यहाँ पर विकेट कीपिंग करेंगे, और यहाँ पर ओपन भी करेंगे टीम के लिए मनीष पांडे, डी नेगी, एनजोस, स्टुअर्ट बिनी, ये मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे। और डी नेगी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बॉलिंग भी करते हैं बैटिंग भी करते हैं, तो यहाँ पर एक अच्छे ऑलराउंडर आपके लिए डी नेगी होंगे। और इसके अलावा स्टुअर्ट बिनी और स्टेलन हूवर के बारे में आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर बात करें डी अविनाश, स्टुअर्ट बिनी विल बी द मेन पेस बॉलर, तो यहां पर ये फास्ट बॉलिंग यहां पर अविनाश करेंगे और स्टुअर्ट बिनी करेंगे, और एस हेगड़े यहां पर स्पिनिंग बॉलिंग करेंगे। बात करें यहां पर बेंगलुरु ब्लास्टर्स की टीम की, तो यहां पर के पवन, पी देशपांडे, एम यादव और यहां पर ए भट्ट को यहाँ पर इन्होंने रिटेन किया है। तो यहाँ पर लास्ट सीजन के जो प्लेयर इन्होंने रिटेन करे, उसमें ये प्लेयर हैं, और इसके अलावा इस बार रॉबिन उथप्पा यहाँ पर लीड करेंगे टीम को। रॉबिन उथप्पा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। के पवन एंड आर उथप्पा कैन ओपन द इनिंग्स, तो ये ओपनिंग करेंगे, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित होंगे। और इसके अलावा यहाँ पर एम विश्वनाथन यहाँ पर फर्स्ट डाउन आपको दिखेंगे, ए सिंह बरार आपको सेकंड डाउन दिखेंगे, फिर पीरेश पांडे आपको मिडिल ऑर्डर में दिखेंगे। यहाँ पर बात करें पीरेश पांडे की, तो ये कुछ ओवर्स भी बॉलिंग कर लेते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर मिडिल ऑर्डर बैटिंग भी करते हैं, तो आपके लिए अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें तो आप जानते हैं इनको, अभी हाल फाइनल मैचेस भी इन्होंने खेले हैं इंडिया के लिए, यहाँ पर डेब्यू भी किया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है लास्ट सीजन के। आप अगर इनके रिकॉर्ड देखें तो हर मैच में 1-2 विकेट के आसपास निकालते थे। ए भट्ट के साथ भी सेम टू सेम ऐसे ही है, और इसके अलावा ये पेस बॉलिंग संभालेंगे। और एम यादव की बात करें तो एक अच्छे ऑलराउंडर आपको जनरली बहुत नीचे बैटिंग करने आते हैं, बट अगर इनको बैटिंग करने को मिलती है तो उसमें भी अच्छे खासे रन कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसके अलावा पूरे 4 ओवर तक कराते हैं, तो एम यादव आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। मित्रकांत यादव इनका फुल नेम है, और ये आपको बता दूं इनको कभी प्रमोट कर सकती है टीम बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर है, जनरली बहुत नीचे बैटिंग करने आते हैं, बट टीम को अगर जरूरत पड़ती है तो इनको प्रमोट कर सकती है। पूरे 4 ओवर तक डालते तो आपके लिए इंपॉर्टेंट तो होंगे। यहाँ पर बात करेंगे हम कुछ रिकॉर्ड्स की पिछले सीजन के, तो पिछले सीजन में आप देख सकते हैं मोस्ट रन जिन्होंने लगाए थे उसमें मयंक अग्रवाल थे, उसके बाद मोहम्मद ताहा थे, भटकल थे, आर समर्थ थे, KP कदम। तो ये चीज़ आपको मैं आपको बता दूँ, ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, या फिर मैं इसको आपको टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दूंगा डायरेक्टली, तो आप वहाँ इसको रख लीजिएगा बिकॉज KPL के अभी जितने भी मैचेस होने हैं उसमें ये शीट आपके काम में आएगी, यानी कि आप इससे अंदाजा लगा पाएंगे कौन सा प्लस
कैसे खेलता है और यहाँ पर लास्ट सीजन में उनका परफॉर्मेंस कैसा था। तो आप देख सकते हैं कितने रन इन्होंने लगाए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये शुरुआत के प्लेयर हो जाते हैं आपके लिए। और अगर आपको नहीं पता केपीएल के बारे में तो आपके लिए एक बहुत अच्छी डेटा शीट है जिसको आप यहाँ पर हमारे टेलीग्राम के चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ पर बात करें मोस्ट विकेट की, तो लास्ट सीजन में यहाँ पर जे सुचित ने सबसे ज्यादा विकेट निकाले थे, 8 मैचेस में यहाँ पर 15 विकेट के आसपास निकाले थे। फिर वीवी कुमार थे, फिर अमित वर्मा थे, मिथुन थे, आईजी अनिल थे, के गौतम थे, स्टेलन हूवर थे। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ स्टेलन हूवर के बारे में, एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर, टॉप ओवर में बैटिंग करते यानी ओपन करते। इसके अलावा आप देख सकते हैं विकेट्स में भी यहाँ पर इनका नाम है, 9 जो इन्होंने खेले मैचेस उसमें 11 विकेट इन्होंने 12 निकाले थे, तो एक अच्छे ऑलराउंडर है। फिर ए सकूजा है, पी दुबे हैं, ऐसे खादिन, ऐसा अरविंद है, पी एस जैन है, तो बहुत सारे यहाँ पर प्लेयर्स हैं जो अभी और लीग्स में आगे हमें मिलेंगे। यहां पर बात करते हैं और भी मैचेस में आगे मिलेंगे हमें, ये है यहाँ पर मोस्ट कैचेस की बात। तो यहाँ पर फील्डिंग की अगर हम बात करें यानी कि सबसे ज्यादा जो कैचेस लिए हैं जिस प्लेयर ने, तो यहाँ पर आते टी प्रदीप का नाम सबसे ऊपर है, 8 मैचेस खेल के 10 कैच लिए थे। फिर मनीष पांडे जो आज हमारी टीम में भी है, 6 मैचेस खेल के 7 कैचेस लिए थे। जे सोचे थे 8 मैचेस खेल के 6 कैचेस लिए थे। तो यहाँ पर आपको एक पूरी शीट मिल जाती है जिसमें आपको प्लेयर का परफॉर्मेंस दिख जाता है। तो यहाँ पर अब लास्टली बात कर लेते हाई स्कोर्स की, तो हाई स्कोर्स यहाँ पर जो लास्ट सीजन बने थे उसमें मयंक अग्रवाल ने 119 बनाए थे, एन शेखावत ने 106 बनाए थे, ए अर्जुन होसयाला ने 89, मोहम्मद ताहा ने 89 बनाए थे, आर समर्थ 87, भटकल 83, अग्रवाल 74। फिर से देख आप देख सकते हैं अग्रवाल का परफॉर्मेंस बहुत बेटर है, और जिस टीम से भी ये खेलने वाले हैं आपको बता दूं आपको इनको कैप्टनशिप रखना ही है। तो आगे जो मैचेस होंगे उसमें हम यहाँ पर इनको देख लेंगे। आरविना की बात करें 70 रन बनाए थे, और यहाँ पर जो हमारे इस मैच में जो प्लेयर्स उसमें आर उथप्पा थे, रॉबिन उथप्पा 67 रन उन्होंने बनाए थे, और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी प्लेयर्स हैं यहाँ पर, तो आप उन सबका यहाँ पर रिकॉर्ड देख लें। खेलने से पहले डी नगरी की बात कर रहे थे तो देख सकते 57 रन बनाए थे, एम नदेश जो आज का मैच खेलेंगे 54 है, पवन की बात कर रहे थे जो कि ओपन करेंगे टीम के लिए 54 है, डी नगरी की आप देख सकते हैं अगेन 53 है। तो यहाँ पर प्लेयर्स के यहाँ पर आप देख सकते हैं बार बार यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं स्कोर्स, यानी कि ये बार बार परफॉर्म कर रहे थे लास्ट सीजन में, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अब बात कर लेते हैं डायरेक्टली हम प्लेइंग 11 की, तो बात करें अगर बेलागावी पैंथर्स की तो आपको पता ही 2017 का केपीएल इन्होंने विन किया था, तो बेस्ट टीम है और यहाँ पर आप कोशिश करेंगे 6-7 प्लेयर तक ले। तो यहाँ पर बात करेंगे इनकी प्लेइंग 11 की, तो जिनकी आज प्लेइंग 11 हो सकती है उसमें यहाँ पर किरमानी ओपन करते देखेंगे स्टेलन होवर के साथ जो 4 ओवर तक बॉलिंग भी करा लेते हैं। फिर यहाँ पर मनीष पांडे आएंगे, फिर एम नदेश आएंगे, डी नेगी आएंगे, डी नेगी भी यहाँ पर 3-4 ओवर तक बॉलिंग करा लेते हैं। फिर एन जोश आएंगे, स्टुअर्ट बिनी की बात करें तो ये तो पूरे 4 ओवर कराएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है और यहाँ पर टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे डी मचियाज और यहाँ पर ए खान मच को एक खेलेगा, फिर एस हेगड़े हैं जो कि स्पिन बॉलिंग संभालेंगे, डी अविनाश फास्ट बॉलिंग संभालेंगे और एच एस सरत हैं। तो ये यहाँ पर मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 होनी चाहिए आज के मैच में, और आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। और अब बात करते हैं यहाँ पर बीबी की टीम यानी कि बेंगलुरु ब्लास्टर्स की, तो लास्ट मैच में कोई लास्ट सीजन में कोई भी इन्होंने मैच विन नहीं करा था, बट एक्सपेक्टेड है कि एक आध मैच यहाँ पर विन कर लेंगे, बट यहाँ पर डायरेक्टली बहुत स्ट्रॉन्ग टीम के सामने ये खेलने वाले, तो ग्रैंड लीग में आप जरूर इनके ज्यादा प्लेयर ले लें, बट स्मॉल लीग में प्रेफर नहीं करूंगा। तो यहाँ पर आपको केवी पवन ओपन करते देखेंगे रॉबिन उथप्पा के साथ, फिर यहाँ पर एम विश्वनाथन आएंगे, फिर इसके बाद ए सिंह बरार आएंगे, फिर यहाँ पे ए देश पांडे हैं, के सी अविनाश हैं, एम यादव हैं, मित्रकांत यादव जैसे कि मैं आपको बता रहा था मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर लेते हैं, कभी कभी टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर लेते हैं, और एक इंपॉर्टेंट बॉलर है पूरे 4 ओवर तक बॉलिंग कराते हैं, तो आपके लिए एक अच्छे ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं। फिर ए डोडामानी है, फिर अभिषेक भट्ट है, फिर कौशिक वी है और प्रसिद्ध कृष्णा है। तो ये यहाँ पर प्लेइंग 11 हो सकती है मेरे हिसाब से आज के मैच में, और यहाँ पर एक वीक टीम ही है अगर बात करें आप पैंथर्स के सामने, तो पैंथर्स स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर बेंगलुरु ब्लास्टर्स एक वीक टीम है। तो गाइज इन सबको कंसीडर करते हुए हम कोशिश करेंगे यहाँ पर एक बेस्ट से बेस्ट टीम बना सके आपके लिए ड्रीम 11 की। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और आपको पसंद आती है मेरी इन्फॉर्मेशन तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, तो मैं आगे से भी इतने ही इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूंगा, डिपेंड करता है आपके लाइक्स पर, आप जितने लाइक्स करते हैं उसके हिसाब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और लास्ट जो लाइक्स होते हैं उसी के बेस पर मैं यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ उसमें अपनी एनर्जी होता हूं। तो यहां पर कोशिश करूंगा आपके लिए इससे भी बेस्ट वीडियो लास्ट इससे भी जो आगे मैचेस आएंगे उनमें यहां पर इससे भी बेस्ट वीडियो बना सकूं और रिकॉर्ड्स आपको दिखा सकूं, रिकॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो गाइस बात कर लेते ड्रीम 11 की टीम की, देख लेते क्या बेस्ट आपके लिए हम बना सकते हैं। तो गाइस आपके लिए स्मॉल लीग के लिए मैंने एक टीम बनाई हुई है, इसी को आप ग्रैंड लीग में भी खेल सकते हैं, आपको कुछ ऑप्शंस भी मैं दे दूंगा स्मॉल लीग ग्रैंड लीग के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो अपोनेंट टीम है यानी कि जो बेंगलुरु ब्लास्टर्स की टीम है उससे मैंने सिर्फ यहाँ पर 5 प्लेयर लिए, आप चाहे तो 4 प्लेयर भी उनकी टीम से ले सकते हैं बिकॉज उतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है। और बात करें अगर बेलगावी पैंथर्स की, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, उसकी मैंने आप देख सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम प्लेयर लेने की कोशिश करी है, और यहाँ पर एक गुंजाइश और है, आप 7 प्लेयर तक यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर एड कर लेते हैं टीम को, देखते हैं आपके लिए बेस्ट प्लेयर कौन से होंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में, तो सादिक किरमानी यहां पर ओपन करेंगे बीपी की टीम के लिए, तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट तो सादिक किरमानी होंगे बिकॉज बीपी की टीम स्ट्रॉन्ग भी है, बट मैं यहां पर बीपी की टीम से केसी अविनाश को ले रहा हूं बिकॉज यहां से मैंने कम प्लेयर्स भी लिए और यहां पर केसी अविनाश भी अच्छा खासा खेल लेते हैं। बात करें बीपी की टीम से तो एम विश्वनाथन भी खेलेंगे, तीनों ही प्लेयर यहां पर खेलेंगे, आप तीनों में से किसी भी एक को ले लीजिएगा। यहां पर पहली प्रेफरेंस मेरी होगी केसी अविनाश और सादिक किरमानी, उसके बाद आप चाहें तो यहां पर एम विश्वनाथन को ले सकते हैं, और इसके अलावा एस रक्षित तो नहीं खेलेंगे, इनको मत लीजिएगा। बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में, तो बैटिंग सेक्शन में यहां पर रॉबिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आप देख सकते हैं मेरे पास इतने क्लैरिटी नहीं बचेंगे, रॉबिन
अनुर थप्पा को ले लूँ, तो यहाँ पर मेरे बस ये एक बड़े प्लेयर मिस हो रहे हैं, तो आप कोशिश करिएगा इनको अगर कहीं से ले पाए। यहाँ पर मैं मनीष पांडे को ले रहा हूँ, के बी पवन को ले रहा हूँ, यहाँ पर आप चाहे पवन देश पांडे को ले सकते हैं, एक आध दो ओवर बॉलिंग भी करा लेते हैं कभी कभी। इसके बाद यहाँ पर निकिन जोश अच्छे ऑप्शन है, इनको आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, और एम नितीश बहुत इंपॉर्टेंट, इनको जरूर टीम में रख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर और कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं है, तो यहाँ पर ले देखिए आपके पास चार पांच प्लेयर ही ऑप्शन में है, एम नितीश, निकिन जोश, के बी पवन, पवन देश पांडे, मनीष पांडे और रॉबिन उथप्पा। इन्हीं में से आप अपनी चॉइसेस बनाए, मैंने अपनी यहाँ पर तीन चॉइसेस ले ली हैं। बात करते ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट स्टुअर्ट बिनी होंगे, फिर स्टेलन ओवर होंगे, ये दो प्लेयर तो आपको छोड़ने नहीं है किसी भी कीमत पर, मैच विनिंग प्लेयर है और अकेले यहाँ पर बीपी की टीम को विन करवा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दीक्षांशु नेगी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉलिंग भी करते हैं, मिडिल ऑर्डर बैटिंग करने आते हैं, तो बीपी की टीम से ये भी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप चाहते हैं बीपी की टीम से लेना, तो यहाँ पर अर्षदीप सिंह बरार को ले सकते हैं, टॉप ऑर्डर बैटिंग कर लेते हैं, और यश गोपाल के चांसेस थोड़े से कम लग रहे थे इसलिए मैंने इनको प्लेइंग 11 में नहीं रखा है, तो आप चाहें तो इन पर ग्रैंडली खेल सकते हैं। इसके बाद और कोई अच्छे ऑप्शन यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन तो ये दो होंगे। इसके बाद आप चाहें तो अभिषेक बरार और नेगी मैच को ले सकते हैं, मैं नेगी के साथ जाऊंगा, अभी बीपी टीम स्ट्रॉन्ग है। बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो यहाँ पर बीपी टीम से प्रसिद्ध कृष्णा को लिया, जो कि अच्छे फास्ट बोलर, आपने देखा भी था यहाँ पर टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया था, उसमें भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस इन्होंने दिया था, तो प्रसिद्ध कृष्णा इंपॉर्टेंट तो है बीपी की टीम से। बीपी टीम से मित्रकांत यादव भी इंपॉर्टेंट है, अगर टीम फेल हो जाती तो यहाँ पर मित्रकांत यादव के पास एक मौका होगा यहाँ पर स्कोर लगाने का, अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं, बॉलिंग भी करते तो इंपॉर्टेंट हो गया, और बीपी की टीम से यहाँ पर अभिषेक भट्ट को लिया है, तो बीपी की टीम से यहाँ पर हमने ऑलराउंडर सेक्शन कोई प्लेयर नहीं लिया था, इसलिए हमने यहाँ पर तीन बॉलर लिए हैं, और तीनों बॉलर बहुत अच्छे, इसलिए मैंने यहाँ पर इनको कंसीडर किया है, कम से कम एक एक दो दो विकेट तो निकालेंगे, तो अभिषेक भट्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। इसके बाद यहाँ पर टी अविनाश को मिल लिया, जिनको यहाँ पर टीम ने रिटेन भी किया है, और बहुत अच्छे प्लेयर हैं, 8.5 क्रेडिट में आपको मिल रहे हैं, पूरे 3 से 4 ओवर तक कराएंगे, और यहाँ पर मेरे सबसे विकेट भी इनको मिलेगी। तो यहाँ पर और ऑप्शन की अगर बात करें तो हेगड़े आप जानते हैं बहुत अच्छे स्पिनर हैं, बीपी की टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अविनाश की जगह चाहे तो हेगड़े को ले लें, बट मेरे हिसाब से अविनाश ही ठीक रहेंगे, और अगर आपको हेगड़े को लेने हैं तो यहाँ पर आप बीपी की टीम से किसी एक को ड्रॉप कर सकते हैं, बट मैं वैसे बीपी की टीम से कंप्लेक्स को ले रहा हूं, इसलिए मैंने यहां पर इनको सबको लिया है। आप चाहे तो यहां से किसी को ड्रॉप कर दे, बिकॉज बीपी की टीम उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बीपी की टीम इंपॉर्टेंट है, यानी कि पैंथर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें शुभांग हेगड़े और यहां पर डीएवएनएस दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करें तो यहां पर फिर कोई अच्छा ऑप्शन आपके पास बचते नहीं है, और फिर यहाँ से बस यही कुछ ऑप्शन है, डी अविनाश को ले लीजिए, हेगड़े ले लीजिए, आनंद डुडमानी को ले सकते हैं ग्रैंड लीग में, अभिषेक भट्ट है, मित्रकांत यादव, एच एस सरत है और प्रसिद्ध कृष्णा, तो यही कुछ ऑप्शन है, इनमें से आप अपनी टीम बनाइएगा। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो स्मॉल लीग के लिए आपको बता दे रहा हूँ, तो स्मॉल लीग के लिए कुछ ऑप्शन दूंगा। सबसे पहले तो दो ऑप्शन आपको बहुत कॉमन मिलने वाले, यानी 95% टीमों में आपको जो कैप्टन वाइस कैप्टन मिलेंगे उसमें स्टेलन होवर और स्टुअर्ट बिनी होंगे। उसके बाद अगर एक दो टीमें आपको मिल भी जाती हैं तो उसमें यहाँ पर आपको मनीष पांडे भी देख सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन, और डी नेगी के चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं, बट यहाँ पर एक अच्छे ऑप्शन डी नेगी भी है और एम नितीश भी ठीक ठाक ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो स्मॉल लीग के बेस्ट ऑप्शन होंगे उसमें यहाँ पर स्टुअर्ट बिनी, स्टेलन होवर होंगे, उसके बाद मनीष पांडे होंगे, उसके बाद यहाँ पर एम नितीश और डी नेगी होंगे। तो ये ऑर्डर है मेरे हिसाब से स्मॉल लीग का, अगर आपको चूज करना है तो स्टेलन होवर और स्टुअर्ट बिनी के साथ जाइए, और अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहते हैं तो मनीष पांडे हैं यहाँ पर, एम नितीश है और डी नेगी भी हैं, और इसके अलावा मैं कोई प्लेयर को प्रेफर नहीं करने वाला स्मॉल लीग के लिए। ग्रैंड लीग की बात करें तो ग्रैंड लीग में आप यहाँ पर ए भट्ट को ट्राई कर सकते हैं, मित्रकांत यादव को ट्राई कर सकते हैं, जिनकी यहाँ पर चांसेस थोड़े से कम है, बिकॉज यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टीम है तो यहाँ पर हो सकता है वो कम विकेट्स मिले, बट ग्रैंड लीग में आप ऐसे ही विन करेंगे। ग्रैंड लीग में आप चाहें तो स्टेलन होवर और स्टुअर्ट बिनी के साथ ऐसा कैप्टन वाइस कैप्टन जा सकते हैं, बाकी टीम में थोड़े थोड़े चेंजेस कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो जो आपको ग्रैंड लीग की टीम मिलने वाली, यानी ग्रैंड लीग में जो टीम विन करेगी उसमें कैप्टन स्टुअर्ट बिनी, वाइस कैप्टन स्टेलन होवर होंगे, और बाकी यहां पर डिसाइड करेंगे आपके बाकी के जितने 9 प्लेयर बचते हैं वो डिसाइड करेंगे आप ग्रैंड लीग विन करेंगे नहीं। तो ये मुझे ऐसा लगता है आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर की कॉम्बिनेशन, और कैप्टन वाइस कैप्टन आप रखें यहां पर हूवर और बिनी को ही। तो गाइस फिलहाल के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज केपीएल के हम सारे मैच यहां पर कवर करने वाले, जो भी केपीएल यहां पर खेलते हैं उनके लिए फायदेमंद वीडियो होने वाला है। ओके गाइस बाय।